गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम जितेंद्र कुमार बारोलिया है और मैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दोसा में कार्यरत हूँ। आज हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रजिस्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सेलेबस में इलेक्ट्रिकल 207, कंप्यूटर साइंस 208, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 207 के अंदर है। तो आज हम बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम रजिस्टर पर जाने से पहले ये थोड़ा देख ले, रजिस्टर होते क्या हैं। जब भी हम भी कोई प्रोग्राम सीपीयू के साथ परफॉर्म करते हैं तो जो भी टेम्परेरी स्टोरेज होता है वो आपका रजिस्टर कहलाता है। सबसे शार्पेस्ट मेमोरी कहलाती है ये। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम के, इट हैज़ 18 एड्रेस 8 बिट रजिस्टर। तो 8 बिट के आपके टोटल आठ आठ रजिस्टर होते हैं, ए बी सी डी ई एच ओ एल और एफ, और 2 16 बिट रजिस्टर होते हैं, प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर। तो एक्यूमुलेटर होता है आपका 8 बिट का, फ्लैग रजिस्टर में आप होंगे आपके 8 बिट के, आपका बी होगा 8 बिट का, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एच होगा, एल होगा, स्टैक पॉइंटर होगा 16 बिट का, और प्रोग्राम काउंटर होगा 16 बिट का। इसके बाद में आपकी डेटा बस और एड्रेस बस से जुड़ी होती है, जो ये कि आपका एक डायग्राम है जो आपको दिखाता है कि रजिस्टर कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें कौन कौन रजिस्टर आ जाते हैं आपके? सबसे पहले जनरल पर्पज रजिस्टर, जिसके अंदर आपके बी सी डी ई एच और एल आ जाएंगे। टेम्प्रेरी रजिस्टर आ जाएंगे, इसमें टेम्प्रेरी डेटा रजिस्टर, डब्ल्यू एंड जेड रजिस्टर। स्पेशल पर्पज रजिस्टर, इसके अंदर आपका एक्यूमुलेटर आ जाएगा, फ्लैग रजिस्टर आ जाएंगे और स्ट्रक्चर रजिस्टर आ जाएंगे। इसके बाद में आपके 16 बिट रजिस्टर होंगे, जो कि आपको प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होते हैं। तो रजिस्टर बी सी डी एच एंड एल आर जनरल पर्पज रजिस्टर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ये आपके सारे सारे जनरल पर्पज रजिस्टर कहलाते हैं और ये 8 बिट के होते हैं। दे आर यूज टू स्टोर डेटा टेम्प्रेरी, ये डेटा को आपका टेम्प्रेरी स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, देर इज नो इंस्ट्रक्शन टू ऐड द कंटेंट ऑफ बी एंड ई रजिस्टर्स। जैसे कि अपन एक सिंपल के इनके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, मूव टू ए रजिस्टर द कंटेंट ऑफ बी रजिस्टर, मूव कर सकते हैं। देन ऐड ए एंड ई रजिस्टर, ए और ई रजिस्टर को ऐड कर सकते हैं, तो रिजल्ट आपका ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। मूव दिस रिजल्ट फ्रॉम ए रजिस्टर टू बी रजिस्टर, और इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ दी रजिस्टर एज पेयर टू स्टोर 16 बिट। इसको हम दो पेयर 16 बिट इन्फॉर्मेशन को अपने को स्टोर करना है, तो इसका पेयर ही बना सकते हैं। पेयर किस किस के बन सकते हैं? केवल बी सी के बनेंगे, डी के बनेंगे और एच एल के बनेंगे। जो यहाँ पे हम बार बार ए यूज ले रहे हैं, तो ए यहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, जो कि बाई डिफॉल्ट रजिस्टर होता है आपका। इसके बाद बात करें हम टेम्परेरी रजिस्टर की, तो टेम्परेरी डेटा रजिस्टर क्या होगा? द ए एल यू हैज़ टू इनपुट, वन इनपुट इज सप्लाइड बाय द एक्यूमुलेटर एंड अदर फ्रॉम द टेम्परेरी डेटा रजिस्टर। तो जब जब भी हम टेम्परेरी डेटा रजिस्टर की बात करें, तो जो आपका एक्यूमुलेटर होगा, मीन्स आपका जो ए होगा वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होगा, और दूसरा आपका टेम्प्रेरी स्टोरेज में, जैसे आपका बी है सी है, इसको अपन रजिस्टर में ले सकते हैं। इट इज़ इंटरली यूज टू एग्जीक्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए काम में आते हैं बेसिकली। डब्ल्यू एंड जेड रजिस्टर, वैंड जेड रजिस्टर आर टेम्प्रेरी रजिस्टर, दीज रजिस्टर आर यूज टू होल्ड 8 बिट डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सम इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? आपका डेटा को होल्ड करेंगे, मीन्स थोड़ी देर के लिए डेटा को अपन इसके अंदर डाल सकते हैं। दीज रजिस्टर आर नॉट अवेलेबल फॉर द प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर के लिए नहीं होते हैं, ये आपके एग्जैक्टली इंटरनली रजिस्टर होते हैं। इसके बाद हम बात करें जनरल पर्पज रजिस्टर की, तो रजिस्टर ए एक्यूमुलेटर, रजिस्टर ए इज 8 बिट रजिस्टर यूज इन 8085 टू परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल इनपुट आउट लोड स्टोर ऑपरेशन, बाय डिफॉल्ट रजिस्टर होता है। एन एक्यूमुलेटर इज ए रजिस्टर फॉर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए काम में आता है। इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डेटा इन कंप्यूटर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपके जो भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म स्टोर करने के लिए काम आता है। एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग टू ऑपरेंड्स, वन ऑपरेंड हैज टू बी इन द रजिस्टर, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका एक ऑपरेंड आपका इस रजिस्टर में होगा। आल्सो सम अदर ऑपरेशन लाइक कम्प्लीमेंट, डेसिमल एजमेंट कैन बी परफॉर्म ओनली ऑन द एक्यूमुलेटर। जब भी हम एडिशन करेंगे, तो आपको पता है कि 2 बिट की आवश्यकता होगी, तो 1 बिट तो आपकी एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगी, जो भी डेटा होगा दूसरा डेटा आपका जनरल पर रजिस्टर में आ जाएगा। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नेगेशन, तो उसके लिए आपको किसी रजिस्टर की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैग रजिस्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज 3 बिट रजिस्टर विच है 5 बिट्स कैरी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लैग। तो सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी, D0 पीछे साइड से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैरी फ्लैग होगा, D1 आपका एम्प्टी होगा, D2 आपका पैरिटी फ्लैग होगा, D3 आपका एम्प्टी होगा, D4 आपका एक्यूमुलेटर ऑक्जिलरी कैरी होगा,
D5 आपका ब्लैंक होगा, D6 आपका जीरो फ्लैग होगा, D7 आपका साइन फ्लैग होगा। सीरीज में हम दे सकते हैं साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्जिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। तो साइन फ्लैग क्या होगा, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ परमानेंट लॉजिक ऑपरेशन इफ D7 बिट ऑफ रिजल्ट इज 1 द साइन फ्लैग इज सेट। जब भी हम नेगेटिव ऑपरेशन दिखाना चाहेंगे, मीन जैसे आपने 8 बिट का डेटा स्टोर कर लिया और अगर वो नेगेटिव है तो साइन फ्लैग आपका हमेशा 1 सेट हो जाएगा। जीरो फ्लैग की बात करें तो जब भी पूरा का पूरा आपका द जीरो फ्लैग सेट इज रिजल्ट ऑपरेशन ALU जीरो एंड फ्लैग रिसेट रिजल्ट इज, अगर ALU के अंदर आपका पूरा पूरा डेटा जीरो हो जाता है, जैसे रीसेट के टाइम पूरा जीरो हो जाता है, तो जीरो फ्लैग आपका 1 हो जाएगा। ऑक्जिलरी कैरी की बात करें तो जब भी हम D3 से D4 बिट मींस 4th बिट से 5th बिट के ऊपर अगर कैरी जनरेट हो रही है तो ये आपका रजिस्टर आपका 1 सेट हो जाएगा। पैरिटी फ्लैग की बात करें, पैरिटी फ्लैग क्या होगा, जब भी उसमें एक्यूमुलेटर के अंदर अगर आपके इवन 1 की संख्या है, अगर आपके इवन 1 की संख्या है तो ये 0 सेट होगा, ओड है तो ये 1 सेट हो जाएगा। कैरी फ्लैग, जब भी हम 7 बिट से ऊपर जाने के बाद में मतलब 8 बिट पे जाते हैं आपकी कैरी जनरेट हो जाती है तो कैरी फ्लैग 1 सेट हो जाएगा। एक सिंपल से एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, हमने एडिशन किया है 45 और F3H का। तो सबसे पहले जब हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में आपने देखा है इसके अंदर जो रिजल्ट आया 38H, उसके अंदर आप देखोगे कि जो साइन बिट है वो आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव के अंदर है। जीरो फ्लैग आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर पूरे जीरो नहीं है। एक्यूमुलेटर कैरी आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि 3rd से 4th पे यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है। पैरिटी फ्लैग आपका 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ 1 ओड है। और कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, क्योंकि कैरी जनरेट यहाँ पे हुई है इसकी वजह से इसका कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इन ए टिपिकल प्रोसेसर ऑपरेशन द प्रोसेसर फर्स्ट फेच द ऑपकोड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। तो सबसे पहले जब भी हम भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हम कॉल करते हैं मेमोरी से, एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस बस एंड मेमोरी रेस्पॉन्ड बाय द प्लेसिंग डेटा स्टोर्ड एट द स्पेसिफाइड एड्रेस ऑन द डेटा बस। तो इन सब का भी जो भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ये सारा सारा डेटा आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद भी हम बात करते हैं 16-बिट रजिस्टर की। तो सबसे पहला 16-बिट रजिस्टर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर को हम सिंपल डेफिनेशन देखा जाए तो इसके अंदर किसका एड्रेस होगा, जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में हमेशा सेव होगा। प्रोग्राम इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम काउंटर एक्ट एज ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसका एड्रेस आपका किस में काउंट रहेगा, हमेशा प्रोग्राम काउंटर में। इन केस ऑफ जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शन, एड्रेस फॉलोड बाय जंप एंड कॉल इंस्ट्रक्शन इज प्लेस इन द प्रोग्राम काउंटर। जब भी हम जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन की बात करें, क्योंकि जंप इंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करें, जब भी कंटिन्यू में हम चलते जा रहे हैं और अचानक हमें पता लगता है कि अब यहाँ से जंप मार के हमें प्रोग्राम के इस कोड के अंदर पहुँचना है तो हम जंप इंस्ट्रक्शन यूज लेते हैं। तो उसका जब भी जंप इंस्ट्रक्शन यूज लेंगे तो आपका प्रोग्राम काउंटर में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो इसमें सेव हो जाएगा। इसी तरह स्टैक पॉइंटर क्या होगा, जब भी हम जंप इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि जो भी हमारा अभी करंट टाइम के अंदर जो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका जो एड्रेस है वो हम स्टैक पॉइंटर में ऊपर ऊपर सेव करके चले जाएंगे, क्योंकि स्टैक आपका हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। और जब भी हम वापस रिटर्न करेंगे वहाँ से, जैसे रिकर्सन है, जब भी हम वापस रिटर्न करेंगे तो ये ऊपर के ऊपर से इसे स्टैक पॉइंटर से आपका डेटा को फैच कर लेगा। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी भी एक बार। स्टैक इज ए रिजर्व एरिया ऑफ द मेमोरी इन द रैम वेयर टेम्पररी इंफॉर्मेशन में बी स्टोर्ड। ए 16-बिट स्टैक पॉइंटर इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द मोस्ट रिसेंट स्टैक एंट्री। तो ये हमने इस प्रकार पूरे प्रकार जो कॉमन रजिस्टर अपने को होते हैं वो उसके बारे में बात की। इसके बारे में आप जैसे डिटेल में अगर आप इसको देखना चाहो तो ये ट्यूटोरियल पॉइंट नाम से जो वेबसाइट उसके ऊपर आप देख सकते हो। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की बुक आती है रमेश गोवंकर की, जो कि बहुत फेमस बुक है, उसमें भी आप इसका रेफरेंस दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।